हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द डिसीजन बुक के द मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल के बारे में। ये मॉडल हमें बताता है कि हम केवल एक डेफिनेट रिजल्ट का अनुमान क्यों लगा सकते हैं। अब जैसे पाई, जिसकी वैल्यू है 3.1415927, तो आप जानते ही है कि इसका आउटकम हमेशा इरेशनली आता है। इसे कभी भी पूरी तरह लिखा नहीं जा सकता, ये इनफाइनाइट डेसिमल नंबर तक कंटिन्यू रहते हैं। जब आप किसी डाइस को फेंकते हैं या लूडो खेलते हैं तो आपको पता होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6 मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर आएगा। इसे ही मोंटे कार्लो सिमुलेशन वर्क करता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन और स्टेटिस्टिक्स का यूज करके एक रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए रैंडम सैंपलिंग पर डिपेंड कई टेस्ट करने होते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक का फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, तो आप इस मॉडल मोंटे कार्लो सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें पहला है रैंडम ट्रायल्स, दूसरा है मल्टीपल ट्रायल्स, तीसरा है एवरेजिंग और चौथा है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप फ्यूचर की डिजायर्ड प्राइस को डिफरेंट पॉसिबिलिटी के साथ उत्पन्न करते हैं और आप उन सबकी एवरेज निकालते हैं। इस तरह से आप फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस का एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं, और ये हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये टेक्निक फील्ड में यूज होती है, जैसे फाइनेंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और अब तो गेमिंग में भी इसका काफी यूज होने लगा है, जिससे टफ सिचुएशन और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस मॉडल को आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपको ये कहीं पे अप्लाई करने को मिलता है कि नहीं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मॉडल से आपने क्या सीखा। हमने ये मेंटल मॉडल द डिसीजन बुक में से सीखा है। हम इस बुक के सभी मेंटल मॉडल्स पर पूरी एक सीरीज बना रहे हैं, तो ऐसे लाइफ चेंजिंग मेंटल मॉडल सीखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एज़ ऑलवेज़ कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच।